एक्सरसाइज 12.2 का जो नाइन्थ क्लास की सीरीज है और हीरोइन फॉर्मूले से रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन नंबर 5। ए रोम्बस सेफ फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। 18 गाय को चरने के लिए एक रोम्बस है, रोम्बस जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन उसके जो डायगनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वे बराबर नहीं होते। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस की जो साइड किया दिया 30 मीटर, एंड ईच लॉन्गर डायगनल, डायगनल क्या दिया इसने 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच गाय, कि इस फील्ड का एक गाय, प्रत्येक गाय कितना घास चर सकती है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। हम इस तरह से एक रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस ए बी सी और डी, साइड इसकी किया 30 30 30 30, इसने डायगनल दिया है ए सी, एक डायगनल है जिसकी साइड है, जिसकी लेंथ है 48 मीटर, और 48 को जब हम इस तरह से एक रोम्बस, एक परपेंडिकुलर दूसरा डायगनल हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये इसके डायगनल हमेशा 90 डिग्री पर ही आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है इस तरह से, और इस तरह से क्या बन जाता है ए ओ डी, एक राइट एंगल बन जाता है, दस इन राइट एंगल ए ओ डी, ठीक है। तो क्या है, हाइपोटेनस क्या हमारी 30 और बेस क्या है हमारा 24 एंड परपेंडिकुलर क्या हमारा ओ डी, तो हम ओ डी निकालेंगे। ओ डी क्यों निकालेंगे, जब एरिया होता है तो एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो ओ डी निकालेंगे। ओ डी निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा, मतलब एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, तो हाइपो का स्क्वायर क्या हमारा 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और 30 एक ब्रैकेट में 30 प्लस 24 लिख देते हैं, और एक ब्रैकेट में 30 माइनस 24 लिख देते हैं, ये आसान हो जाता है। और भी यहाँ क्या बचेगा आपका 54 और मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा था 6। अब इसके हम पेयर बना लेंगे ऐसे, 6 6 24 6 5 30 2 32, और ये क्या होता है 18 का रूट होता है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर आ गया ये 18 आ जाता है इस तरह से, क्योंकि हम इसको और भी आसान बना रहे हैं। अब एक ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स मिल गई, ये इसकी ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और ये भी पता चल जाते हैं। तो अब एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, और फॉर्मूला क्या था 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस क्या है हमारा 24, हाइट क्या हमारी 18, और ये कट गया 12 मल्टीप्लाई में 18 आ गया, और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी 36 3 3 3 16 समथिंग, इस तरह से इसका एरिया मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है, क्या 18 दूनी 36 18 3 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका एरिया आ जाता है। लेकिन क्या है हमारे पास में, हमारे पास तो चार हैं, 1 2 3 4 हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस 4 × 216, ठीक है, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा इतना मीटर स्क्वायर इस रोम्बस का एरिया आ जाता है। लेकिन काउ, नंबर ऑफ काउ क्या है, नंबर ऑफ काउज क्या है, नंबर ऑफ काउज की हमारे पास 18 गाय हैं, इसने कहा है यहाँ पर क्या है 18 हमारे पास गाय है, 18 हमारे पास काउ है, तो ईच काउ कैन ग्रेज कितना, क्या है एरिया ऑफ रोम्बस अपॉन नंबर ऑफ काउ, एरिया क्या हमारा 4 × 216 अपॉन में 18 आ गया। इस तरह से जब हम इसको काटेंगे ऐसे, इसको जब काटे थे 12 आ जाएगा, और कितना आ जाता है जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 मीटर स्क्वायर, तो प्रत्येक गाय आपका 48 मीटर स्क्वायर का एरिया क्या कर सकती है, ग्रेज कर सकती है, ठीक है। यहाँ गया 48 मीटर स्क्वायर, इसका काट के आ जाता है 48 मीटर स्क्वायर, प्रत्येक गाय इसका एरिया ग्रेज कर सकते हैं, मतलब 48 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो हर गाय इसको चर सकती है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, टफ है, बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और हमने इसको क्वेश्चन को ऐसे पकड़ा, हम हीरोइन फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हीरो फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए ए एस, इसको ए मानते, इसको बी, इसको सी, वही आता, सेम आता क्या हमारा इस तरह से आ जाता, और फिर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा आंसर
इक्वली माना जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा है उसने कि प्रत्येक गाय कितना एरिया चर सकती है, प्रत्येक गाय 18 मीटर स्क्वायर का और 48 मीटर स्क्वायर का एरिया चर सकती है।